कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज मैं कैजुअल में दिख रही हूँ, जैसे कि आपको। तो जा तो मैं कॉलेज रही हूँ। आज है 5 सितंबर, तो आज मेरे कॉलेज में फंक्शन। तो टाइमिंग तो थी 10 बजे, और 10 मेरे को बज जाएंगे यहीं पे, मतलब 9:30 बजे शायद मेरी बस आएगी, पता नहीं उससे पहले वाली मैं के लिए मतलब मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं। तो ऐसा है कि मैं जाती हूँ, मेरा रोज़ का वही दुख है कि जल्दी जल्दी जाओ, बस पकड़ो, फिर बस में ना मिले सीट, फिर खड़े रहो, है ना, सेम दुख होता है मेरा ये रोज़ की। तो मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लो, और लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर लो। कोमल के बर्थडे वाली वीडियो है, तो आप वो देख लो जल्दी जल्दी जाके, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। और अब मैं जाती हूँ, और नहीं तो मेरी बस जाएगी छूट और मैं रह जाऊँगी यहीं पर। ओके बाय गाइज। तब तक गाइज, तो मैं पहुँच गई ऑकलैंड टनल, जहाँ से मेरे कॉलेज का रास्ता है ना। तो मेरे को बस में फ़ोन आया था शिवानी कोमल का कि आप कहाँ पे हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं बस में हूँ और मैं आऊँगी। पहले मैंने बोला था विक्टर टनल पे वेट करना मेरा, उसके बाद साथ में जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने लेकिन बाद में ये भी बोला था कि मैं ऑकलैंड टनल ही आऊँगी क्योंकि ट्रैफिक है। तो हमारे बीच मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो वो तो गए, वो करे मेरा वहाँ पर आधे घंटे से वेट, और मैं वहाँ से बस लेके पहुँच गई यहाँ ऑकलैंड टनल। अब मेरे को करना पड़ेगा उनका वेट, तो उनको बुरा लग रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन वो गुस्सा करते नहीं है बाकी। ओके गाइस, बाय बाय। तब तक आप यहाँ का व्यू देख लो। तो गाइस देख सकते हैं आप, कीर्ति आ चुकी है। गाइस तो यहीं से ना कहीं शिवानी को मिला रहे हैं। गाइस तो शिवानी को मिला चुके हैं ना। हेलो बोल लो तुम भी। हेलो एवरीवन। मेरा तो नाम गाइस, तो इसका नाम भी ले लो यार, बोल दे हेलो। चल कीर्ति भी आ गई गाइस, मिलो इससे। चलो इसको रहने दो आप, और क्या बोलते, शिवानी को मिला गया, इन्हीं का भी खूब बना था वो भी। तो अब हम जाते हैं कॉलेज जल्दी जल्दी, क्योंकि हम हो चुके हैं लेट, फंक्शन पता नहीं स्टार्ट हो गया होगा शायद, और ये हॉर्न पता नहीं क्यों बज रहे हैं, जो भी है। और अब हम जाते हैं जल्दी जल्दी कॉलेज, हमारी एंट्री होगी नहीं होगी पता नहीं, टाइम क्या हुआ, टाइम 11 बज गया। तो अब देखते हैं हमारी एंट्री होगी नहीं होगी पता नहीं, एंट्री तो हो जाएगी। कूपन तो हमारे पास है, कूपन हमारे पास, तो फंक्शन स्टार्टिंग। एक्चुअली हम जज है आज के, मैं और कोमल, तो खास कर मैं और कोमल आज की जज, शिवानी भी है ये तो नहीं है, तो आज हम उसके जज जगह इस फंक्शन के। तो एक्चुअली जज ना थोड़े लेट हो ही जाते हैं, उनके जज के और काम भी होते हैं। तो बाय गाइस। तो गाइस पीछे ना थोड़ा ट्रैफिक लग गया था हमारी वजह से, एक्चुअली हमारी वजह से कुछ नहीं लगा था ना। अब मिलते हैं हम कॉलेज पहुंच के, और दिखाते हैं आपको भाई कॉलेज हमारा इतना हाई फाई है कि वहाँ पे लगे कूपन, फंक्शन में जाने के लिए कूपन है गाइस, कूपन की वो भी डाल, कूपन 150 रुपये का कूपन। तो ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं कॉलेज जाके और दिखाएंगे आपको फंक्शन। तो वीडियो एंड तक देखना, और एंड में हम आपको रिजल्ट भी बताएंगे कि एक्चुअली हमने किसे विनर बनाया, क्योंकि हम जज करेंगे ना, जज है हम आज। तो बाय गाइस। ओके बाय। तो गाइस हमारे को ना बाहर निकाल दिया, मतलब 11 बज गया है, 12 बजने वाले, हमारे को निकाल दिया है बाहर। हमारे लिए अंदर प्रिपरेशन हो रही है कि मैम एक्चुअली आप बाहर जाओ, तो आपके लिए सरप्राइज है, एक्चुअली जजेस है ना। तो हमारे को बाहर निकाल दिया कि बाहर जाओ आप, बढ़िया, बाद में आना जब हम बुलाएंगे, हमारा वेलकम होने वाला है थोड़ी देर में। ये देख लो हमारी टिकट, सब दिखा लो अपनी टिकट, ये देखो विद नेम गाइस, ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो ऐसा है अब कि हमारे को बाहर निकाल दिया, और हम यहाँ पे टाइम पास करें, शिवानी पता नहीं होती जा रही है गाइस। तो क्या बोलते, अब फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, हमारे को बुला रहे ना एक्चुअली, आ गए थे बच्चे कि आप आ जाओ अंदर, हो गया सारा काम धाम। और हमारी आउटफिट्स, रुक जा थोड़ी दूर जा, हमारी आउटफिट्स ये है, आउटफिट क्या, कपड़े हमने आज ये पहने, और हम जा रहे हैं अब अंदर फंक्शन इंजॉय करने।
हंसते खेलते रहे मुस्कुराते रहे हमारे।
रिफ्रेशमेंट वगैरह हमने खा ली थी, उसके बाद हमारी पार्टी हो गई थी खत्म। बड़े डांस वगैरह के एंजॉय किया हमने, तो कुछ नहीं किया। ये कीर्ति दिख रही है, हाँ दिख रही है। तो अब हम मॉल पे आ गए क्योंकि हमारे रह गई थी व्लॉग एंडिंग करनी, और रिव्यू हम आपको देंगे जाते जाते मैं और कीर्ति, क्योंकि मंच मैंने जाना है अपने रास्ते से और हमने जाना अपने रास्ते से, क्योंकि हमारे रास्ते अलग अलग है। सीट पॉइंट से अपने रास्ते चले जाते हैं, हम अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद हमने एंडिंग कर ली पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। कोमल ये है, शक्ल दिखा लो। हाय गाइस, ओके बाय गाइस। तो गाइस क्या बोलते हैं, उसके बाद ना जैसे टीचर्स की स्पीच, तो उसमें क्या हुआ कि तो सर ने हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो उनका लाइफ एक्सपीरियंस था वो उन्होंने शेयर किया, और मेरे को मतलब थोड़ी एडवाइस वगैरह दी कि मतलब मैं भी ये बोल रही हूँ कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, मतलब जो भी चीज़ कर रहे हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट, मतलब जिसमें भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें अपना 100% दो। और ये मत सोचो कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, और जो भी आप कर रहे हो मन में ये लेके चलो कि आई एम द बेस्ट और मेरे से अच्छा कोई नहीं है। मतलब ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट में तो मत टूटो, मतलब हाँ ये सोचो कि जो मैं हूँ मैं अच्छा हूँ, मतलब बस, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे को अपना 100% देना है। ये नहीं करो कि देखा देखी में, मतलब समझ रहे हो ना गाइस, समझ लेना यार, मेरे पास थोड़ा शब्दों का भी भाव होता है ना। तो कि जो मैं कर रहा हूँ, मतलब जो आप कर रहे हो जैसे कि ना, तो उसमें 100% दो अपना। ऐसे ही ना करो टाइम पास कि वो कर रहा था मैंने कर लिया, जो वो कर रहा है वो मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। जो करो उसमें 100% दो अपना बस। तो बाकी हमने डांस देखा और इन्जॉय किया, अपना एंटरटेनमेंट किया, कर रहे थे, मतलब हमारा बढ़िया, हम खा रहे थे और वो हमारे सामने डांस कर रहे थे, हमें मजा आया। कितने खातिरदारी करी आज उन्होंने, वेरी नाइस, नाइस अरेंजमेंट, ऐसा ऐसा। उसके बाद डांस करो, उसके बाद हमने सफाई की। तो अब हम भी जा रहे हैं घर को, मेरे को जाना है ओल्ड वेस्टर्न, क्योंकि ओल्ड वेस्टर्न जाना है, इसको जाना है जाली, और मेरे घर की बस मतलब वहीं से लगती है बस, तो जाता है। तो अब हम जाएंगे घर, तो ओल्ड वेस्टर्न बहुत जा रहे हैं। तो इससे पहले हम ख़त्म कर देते हैं ब्लॉग, कि अगर आपको हमारी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा टीचर डे वाला, तो क्या बोलते हैं, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया, कर देना यार, पैसे तो लग नहीं रहे हैं ना, तो कर देना यार सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट, और क्या बोलते हैं, और मेरे को बताना कि अब हम नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाएं, मतलब आप कर सकते हो तो कस्टमर को बता देगा कि हम नेक्स्ट वीडियो क्या बनाएं, मतलब किस पे बनाएं, मतलब समझ नहीं आता, एक तो हमारे को हमारी क्लासेज होती है ऐसा, मतलब बहुत समझ रहे ना आप, हमारी क्लासेज होती है, काम होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे को भी, हमारे को प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने होते, तो हमारे को ना पता नहीं लगता कि हम क्या बनाएं, इसलिए आप मेरे को बताना कि हम नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाएं। ठीक है, बाय गाइस, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।